हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफरीन द फार्मासिस्ट। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और स्कॉलरशिप स्कीम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हॉस्टल्स में रहना प्रेफर किया है टू परसिव देयर हायर एजुकेशन। यानी जो भी स्टूडेंट्स घर से दूर हॉस्टल्स में रहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका नाम है डॉक्टर पंजाबराव देशमुख हॉस्टल मेंटेनेंस एंड अलाउंस स्कीम। ये स्कीम बेसिकली उन स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए है जो अपने घर से दूर हॉस्टल्स में रहते हैं एंड उनका फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए है। तो आज के इस वीडियो में हम उस स्कीम के बारे में, यानी स्कीम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप इस स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल है और कौन कौन से कोर्सेज के स्टूडेंट्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए ये वीडियो बिना स्किप करें एंड तक देखना और अपने सभी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना जो भी हॉस्टल्स में रहने जा रहे हैं टू परसिव देयर हायर एजुकेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस स्कॉलरशिप स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने एडमिशन लिया है कोर्सेज में जो कि टेक्निकल हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं, नॉन प्रोफेशनल हो सकते हैं, तो अगर इन कोर्स में से आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, भले वो MBBS हो, BHMS हो, कोई भी कोर्स हो, तो आप सभी स्टूडेंट एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए। इसके बाद आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप स्कीम के लिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप स्कीम के लिए। इसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज आपका एडमिशन कैप राउंड थ्रू होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट कोटा जो होता है उसके थ्रू आपका एडमिशन होना चाहिए। अगर आपका एडमिशन हुआ है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, डोनेशन थ्रू, तो आप एलिजिबल नहीं हो स्कॉलरशिप स्कीम के लिए। इसके बाद अगर आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है, किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो ये दोनों टाइप ऑफ कॉलेज के स्टूडेंट्स एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई करने के लिए। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए। तो आपके फैमिली की एनुअल इनकम अगर 1 लाख से 8 लाख के बीच में है, दैट इज़ लेस देन 8 लाख्स, तो आपकी फैमिली के थ्रू आप एज अ स्टूडेंट एलिजिबल हो इस स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई करने के लिए। तो ये था इन डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द स्कॉलरशिप स्कीम। बेनिफिट फॉर द स्कॉलरशिप। सबसे पहले ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, यानी लोकेलिटी के बेसिस पे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो बिलोंग करते हो मुंबई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद, इन सिटीज़ में, तो आपका जो स्कॉलरशिप अलाउंस है वो डिफरेंट होगा टू द स्टूडेंट्स जो अदर लोकेलिटी में बिलोंग करते हैं, अदर सिटीज़ को बिलोंग करते हैं। अभी जो स्टूडेंट्स इस सिटीज़ में बिलोंग करते हैं, यानी मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल मेंटेनेंस अलाउंस है वो 20,000 से 30,000 पर ईयर दिया जाएगा। और वो स्टूडेंट्स जो इस लोकेलिटी के बाहर बिलोंग करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाएगा 8,000 से 20,000। तो इस तरह से ये जो मेंटेनेंस है वो डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द लोकेलिटी जिसमें आप बिलोंग करते हो, ऑल्सो ऑन योर एनुअल इनकम। जो आपकी एनुअल इनकम है उसके हिसाब से आपका जो मेंटेनेंस अलाउंस है फॉर हॉस्टल वो डिसाइड किया जाता है। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट फॉर अप्लाइंग ऑफ द स्कॉलरशिप स्कीम। Now let us see the essential documents for this scholarship scheme. Documents required are domicile certificate, HSC, SSC mark sheet, income certificate of parents, previous year mark sheet, registered labor certificate or income certificate of your parent, Aadhaar card, student PAN card, father PAN card and mother PAN card. So these are the essential documents जो आपको required है फॉर्म फिलिंग के वक्त स्कॉलरशिप के। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम इस स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।
उसके बाद अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो स्कॉलरशिप स्कीम के लिए, तो न्यू अप्लीकेंट रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे। जितने भी वेरिफिकेशंस के डिटेल है, यानी फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब प्रॉपरली फिल करना है, ओटीपीस प्रॉपरली फिल करने हैं, एंड देन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है, इसका ईमेल और मैसेज आपको आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी पे आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड भी मिल जाता है, तो उसके हेल्प के थ्रू आप लॉगिन करोगे और पूरा फॉर्म डिटेल में फिल करोगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, और एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद ही आप एलिजिबल होते हो स्कॉलरशिप स्कीम के लिए। तो ये थी स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई करने की प्रोसीजर। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपके कोई और डाउट्स है स्कॉलरशिप स्कीम के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हो। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।